आजाद अमेरिका के इतिहास का काला दिन ट्रंप के कार्यकाल में आया, लेकिन अब इससे भी बुरा दिन आने की आशंका है, क्योंकि नया खुलासा अमेरिका को दहलाने वाला है। ठीक उसी कैपिटल हाउस के पास एक ऐसे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो एक हैंडगन और 500 राउंड लेकर संसद को दहलाने की फिराक में था। और गिरफ्तारी के बाद उस शख्स ने अब जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाला है। पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए, लेकिन ये पहले ही जान लीजिए कि अमेरिका के निर्वाचित प्रेसिडेंट की जान को खतरा है। हिंसा की आग से यूएस डरा, अब बाइडेन पर खतरा। फिर हुई दहलाने की तैयारी, गिरफ्त में नया बंदूकधारी। उपद्रवियों की अंतिम कवायद, मुश्किल में अमेरिकी संसद। जिसे मिलेगी यूएस कमान, उसकी हत्या का था प्लान। अमेरिका के ऐतिहासिक लोकतंत्र को कलंकित करने के सदमे से अमेरिकन सभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक और नए प्लान का खुलासा हो गया। अमेरिका के इतिहास का सबसे घातक प्लान क्या था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस प्लान की पृष्ठभूमि देख लीजिए। जो बाइडेन के सत्ता संभालने से पहले ही अमेरिका को हिंसा की आग में झुलसाने की तैयारी है। शपथ ग्रहण से चंद दिन पहले अमेरिकी संसद को फिर से दहलाने की साजिश रची गई। ठीक संसद भवन के पास पुलिस ने सिक्योरिटी चेक के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक हैंडगन और 500 राउंड गोलियां बरामद की गई। इस शख्स का नाम है विल जे एलन बीलर, जो खुद को रिपब्लिकन बता रहा था। गिरफ्तार शख्स के पास बिना लाइसेंस की गन थी। इस हैंडगन के लिए 500 राउंड भी उसके पास थे। उसके पास ग्रीन जोन में प्रवेश के दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस को उस पर शक तब हुआ जब उसके कार पर पुलिस ने हथियार से जुड़ा एक स्टिकर देखा और फिर उसे रोका गया। इसके बाद पूरा खुलासा हुआ, लेकिन खुलासा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। घुसपैठिए का उद्देश्य बाइडेन पर हमला करना था। वो शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा भड़काना चाहता था। बताया गया कि प्लान सांसदों की हत्या का भी था, यानी अमेरिका को दहलाने की साजिश हो चुकी थी। लेकिन हाल ही में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ी, जिसमें हथियारबंद शख्स को पकड़ा गया और भविष्य में आने वाला इतिहास का सबसे कलंकित दिन का खतरा कम हुआ। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।